तो पांच राज्यों में से चार में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन पंजाब में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। बीजेपी की हार के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई है। कुछ नेता आम आदमी पार्टी की जीत का क्रेडिट मुफ्तखोरी को देते हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की हार के बावजूद वोट प्रतिशत बढ़ने का दावा किया। देखिए, चार राज्यों में जीत की खुशी एक ओर और पंजाब में मिली करारी हार का मलाल दूसरी ओर। देश भर में बीजेपी के मंत्री से लेकर नेता, विधायकों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जहां बाकी के चार राज्यों में जीत के जश्न में डूबे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के माननीय पंजाब में मिली हार को लेकर सफाई भी पेश कर रखी है। अब कहीं पंजाब में मुफ्तखोरी का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं बात कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। जो दिल्ली में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा लूट क्या होती है दिल्ली की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, बहुत जल्दी इनका भी बेनकाब होगा। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा जो मुफ्त की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन जनता ठोस निर्णय चाहती है और ठोस निर्णय करने वाले और देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी हैं, जिनका विकल्प कोई नहीं है और देश के हित में नरेंद्र मोदी जी ही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो इसे हार ना मानते हुए दो सीट जीतने और वोट परसेंट बढ़ने का हवाला दे दिया और कहीं ना कहीं अब वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने में जुट गए हैं। केजरीवाल पर लूट की राजनीति करने का आरोप लगा रखे थे। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। सीट वाले राज्य में कांग्रेस पार्टी तीन सीट नहीं जीत पाती है, पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खोल पाती है, कई राज्यों में वर्षों वर्षों से हारती चली जाती है, तो कांग्रेस तो भारतीय राजनीति के मानचित्र पर है कि नहीं है, ये अब अपने आप एक बड़ा प्रश्न हो गया है। और ये क्यों हुआ, जब तक कांग्रेस ये मानेगी नहीं कि जनता ने उनको नकारा है और गांधी परिवार को घेरा डालने वाले कुछ लोग उनका स्तुति गान करते रहेंगे और गांधी परिवार भी आईना देखने के लिए राजी नहीं होगा, तो इसी तरह हाशिए पर जो आए हैं यहीं पर रहेंगे, यहां से उठ नहीं पाए। दरअसल अनुराग ठाकुर बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब में सिख हिंदू भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम किया है। गठबंधन दल के छोड़ने के बावजूद भी बीजेपी ने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीत को ऐतिहासिक बताया। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक।